नमस्कार, मैं राधिका गुर्जर HNews 24 पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए रुक करते हैं आज की खबर की। हितग्राहियों को मिला सिंगल क्लिक से योजना का लाभ। आपको बता दें कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के 27,310 श्रमिक परिवारों को 650 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से माओगंज जिला रीवा से हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की गई। उक्त आयोजन के क्रम में नरसिंहगढ़ विधायक महाराज राज्यवर्धन सिंह द्वारा स्थानीय जनपद कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के 34 हितग्राहियों को 84 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर विधायक महाराज राज्यवर्धन सिंह, जनपद CEO राजीव मिश्रा, तहसीलदार प्रकाश पांडे सहित जनपद पंचायत के इंजीनियर व जनपद सदस्य सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण हितग्राही लोग मौजूद थे। मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। आप भी बड़े ध्यान से, क्योंकि बजट पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग सब पदों में बैठे हुए हैं, जनपद मेंबर पदों में बैठे हुए हैं। ये नहीं कि आप कांग्रेस का बजट नहीं पढ़ेंगे, पढ़िए, पढ़ लिया, समझ में आए। तो मुद्दा ये है कि सरकार आपके लिए कर रही है और किसान के लिए कर रही है, माताओं के लिए कर रही है, बहनों के लिए कर रही है और बालिकाओं के लिए कर रही है। आप देखिए, सरकार ने बजट में दे दिया कि किसी भी सरकारी स्कूल में जो छात्रा 12वीं प्रथम आएगी, सरकारी स्कूल में किसी भी गांव में हो, 12वीं की छात्रा प्रथम आएगी, उसको सरकार 1 लाख की सूद देने वाली दिया है। जो बालिका प्रथम आई है उसको स्कूटी मिलेगी, साइकिल तो वितरण होती होती है। CM राय स्कूल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में हम तरक्की करने वाले हैं। अनेकों क्षेत्र में कल हमारे विधायक दल की बैठक थी, CM साहब ने एक एक डिटेल में सारी चीजें समझाई हम लोग को कि अब आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बजट के ऊपर जनता को समझाना है, जनता को बताना है कि हमने सरकार ने बजट में क्या क्या दिया है। वो तो सब कुछ किताब में लिखा है, मुझे जानकारी नहीं है, मगर पूरी डिटेल समझाएगी। तो भविष्य में जब हम लोग गांव में जाएंगे तो बजट पर संगोष्ठी करें, ये भी CM साहब ने फरमाया है। गांव में आप संगोष्ठी करें, जनपदों के माध्यम से करें, जिला मेंबर हमारे बैठे हैं, जनपद मेंबरों के हैं, अधिकारी मन बैठे हैं और संगोष्ठी करें, बताएं कि हमारी सरकार ने बजट में क्या क्या प्रावधान किए हैं और आज जो 84 लाख रुपए हमारे हितग्राहियों को मिलने वाले हैं, चाहे वो खेड़ी के हो, चाहे तिलोनिया के हो, चाहे उत्तर खेड़ी के हो, आंध्र हिड़ा के हो, पाड़िया धाम के हैं, डावला के हैं, अनेक सब गांव से हमारे हितग्राही मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, और मुख्यमंत्री जी पूरा धन्यवाद देते हैं। जय हिंद भारत माता।